बैक टू टेक्निकल रॉकी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कि आप कैसे सब्सक्राइब का जो टच हैंड आता है वो कैसे बना सकते, और अभी मैं आज आपको वही दिखा रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको वो एक बार दिखाता हूँ कि आप कैसे क्रिएट कर सकते। सब्सक्राइब टेक्निकल रॉकी एंड प्रेस द बेल आइकन ऑन ऑल। तो दोस्तों, ऐसा वीडियो आप कैसे अपने खुद के चैनल का क्रिएट कर सकते हैं आज मैं वो आपको बताने वाला। तो आपको इसके लिए एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है, और उस एप्लीकेशन का नाम है काइन मास्टर। तो वो गूगल प्ले स्टोर से जाके आपको सिंपली उधर अवेलेबल हो जाएगी। तो आपको उस पर वो जो काइन मास्टर है उस पर आपको सिंपली आपको ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आपको जो प्लस वाला है उस पर जाना है और 16:9 पे क्लिक करना है, और आपको एक ऐसी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है कि आपका जो चैनल है उस पर आपको एक सब्सक्राइब का बटन देखे। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, मैंने एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है। ये देखिए, ये ऐसे ही सेम टू सेम जो सब्सक्राइब को टच हो रहा है, मतलब वो ही सेम टू सेम आपको। ये मैंने सिर्फ आपको सैम्पल दिखाया कि कैसे करना है। आपको मीडिया पे जाना है और उधर से आपको ऐसे ही इंटरफेस आएगा। बैकग्राउंड पे जाना है और कौन सा भी एक बैकग्राउंड ले लेना है, हमको उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पर वो जो हम ग्रीन स्क्रीन अप्लाई करेंगे उसके लिए ऐसा कुछ तो भी बैकग्राउंड होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है। देखिए मैं आपको एक दिखाता हूँ कि आपको जो मोबाइल फ्रेम में है आपको वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग बैठानी है। तो आपको क्या करना है, सिंपली गूगल पे जाना है, और गूगल पे जाने के बाद आपको उधर क्या डालना है, मोबाइल स्क्रीन, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, इस पर जाने के बाद आपको क्या करना है, इधर से कौन सी भी एक इमेज सिलेक्ट कर लेनी है। इधर बहुत सारी इमेजेस आएंगे तो आप कौन सी भी एक कर लेनी है। और फिर मैंने की है, तो हम चलते हैं काइन मास्टर में। हमारे काइन मास्टर में जाने के बाद आपको लेयर्स पे क्लिक करके मीडिया पे जाना है, और मैंने जो की है वो आपके इधर भी सेव हो सकती है। तो आपको इस ग्रीन स्क्रीन को जो हमारा बैकग्राउंड है उसको पूरा हमको इधर से कवर कर लेना है, और इधर स्क्रोल करना है अप साइड, और आपको इधर जो क्रोमा के दिख रहा है उस पर अनेबल कर देना है। तो इधर कुछ सेटिंग चेंज नहीं करनी है आपको, तो बस इतना ही करना है। और फिर क्या करना है, आपने जो रिकॉर्डिंग की थी ना उसको इधर लाना है। तो ये मीडिया पे जाएंगे, जिधर हमने रिकॉर्डिंग की थी उसको इधर लाएंगे, और बराबर उधर जो ये जो फ़ोन की स्क्रीन का जो ब्लैंक है उस पर बैठा देंगे, ऐसा बैठा देंगे। और ये देखिए हमारी पूरी अच्छी से बैठ गई। तो अब इसको क्या करते हैं, हम वीडियो के हिसाब से इसको एक्सटेंड कर देते हैं, और नीचे के ये जो PNG है उसको भी हम बराबर से इधर एक्सटेंड कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इधर जिधर हम रिकॉर्डिंग बंद करते हैं तो उधर उधर तक हम इसको कट कर लेते हैं, इसको इधर से ट्रिम कर लेते हैं, और इसको भी इधर से कट कर लेते हैं, इसको भी कट कर लेते हैं। दोस्तों आपको इधर तक समझ में आया होगा। तो आपको क्या करना है, इधर आपको अभी मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा हैंड टच स्क्रीन की, तो आपको उस पर जाके वो जो हैंड का जो है उस पर उसको डाउनलोड कर लेना है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इसको आपको सिंपली इधर क्रोमा की लगा देता हूँ मैं, और इसमें कुछ चेंजेस नहीं करने आपको, क्योंकि वो पूरा हैंड नहीं तो ख़राब हो जा सकता है। इसको थोड़ा ऊपर आगे कर, ये देखिए ये ऐसा हैंड जो है, ये जो है ना, आपको वीडियो भी क्या करना है, एक तो सेकंड रुकना है फिर सब्सक्राइब का क्लिक करना है, क्योंकि यह हैंड उसके मैच होना चाहिए। तो हम इधर सेट कर लेते हैं, अभी देखते हैं। ये देखिए पूरा बराबर हो गया, सिर्फ इसको थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, और फिर देखिए ये बराबर हो गया। तो अभी जिधर हो रहा है ना, जिससे वो नीचे जा रहा है उधर तक हमको इसको फिर से ट्रिम कर लेना है। और ट्रिम करने के बाद आपको जिधर ऑल पे हम जब क्लिक करेंगे ना, तभी फिर से हमको मीडिया पे जाना है और उसी इसको लेना है, और इधर क्रोमा की लगाने के बाद इसको अनेबल कर देना है। और फिर हमें देखिए वहाँ हैंड स्क्रीन किधर जा रहा है, देखिए थोड़ा सा आगे चले गए हम बराबर इधर से लगाते, मतलब जिधर से हमने वीडियो को ट्रिम किया था उधर से ही लगाते, अनेबल ओके। तो अभी हमको हम इधर ऐसा
एक लगा देते हैं देखने के लिए, ट्राई करने के लिए किस हैं। ये देखिए ये बराबर हो गया। अभी क्या करना है, इधर से इसको भी ट्रिम कर देना है। इसमें दो हैंड्स रहते हैं तो वो दूसरा आना नहीं चाहिए, इसलिए हम वो ट्रिम कर लेते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, ये देखिए थोड़ी सी जो है इसको हम इधर से बढ़ा लेते हैं, तो टिक कर देते हैं। और आपको क्या करना है, आपको इसमें वॉइस ऐड करनी है अपनी। आपको इधर है ना वॉइस ऐड करनी है, थोड़ा सा है ना गलत हो गया लगता है। जो हमारा PNG है उसको हम है ना एक्सटेंड कर लेते हैं। और ये देखें, देखिए मैं आपको फिर से, हम इसको ऑडियो भी लगा सकते हैं, तो मैं इस पर कुछ सो भी ऑडियो लगा देता हूँ। देखिए ये उसकी ज़रा हाई वॉल्यूम थी, इसकी थोड़ी सी कम कर देता हूँ वॉल्यूम। इधर आपको आप सुनिए, ये देखिए दोस्तों अगर अभी तक हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कीजिए।